नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपिका जायसवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक फीमेल हेल्थ टॉनिक के बारे में और एक यूटेराइन टॉनिक के बारे में। तो यदि आप फीमेल हैं और बहुत सारे हार्मोनल पिल्स ले चुकी हैं, जब तक आप हार्मोनल टेबलेट्स खाती थी तब तक आपका पीरियड रेगुलेट रहता था, और हार्मोनल टेबलेट बंद करने के बाद में आपको जो मेंसेस की प्रॉब्लम है वो एज इट इज बनी हुई है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसे लास्ट तक जरूर देखें। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इफेक्टिव हेल्थ टॉनिक और यूटेराइन टॉनिक के बारे में, जिसका नाम है मेंसोल सिरप। दोस्तों ये मेंसोल सिरप हेप्टेको कंपनी की एक सिरप है जो फीमेल्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव सिरप है। अब जानते हैं कि मेंसेस इरेगुलरिटीज कौन कौन सी मेंसेस इरेगुलरिटीज पे ये चलती है। दोस्तों फीमेल्स में हेल्थ रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे इरेगुलर मेंसेस या महावारी का समय पर ना आना। तो दोस्तों मेंसेस एक साइक्लिकल प्रोसेस है, इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंसेस का 2 से 3 दिन डिले होना या 2 से 3 दिन मेंसेस का पहले आना एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में आता है, लेकिन आपके मेंसेस से वो बहुत ज्यादा डिले हो रहे हैं, जैसे 1.5 महीने 2 महीने या बहुत सी जो टीनेजर गर्ल्स होती हैं उनमें जो मेंसेस है वो हमेशा 1.5 महीने 2-2 महीने में आते रहते हैं। मेंसेस के दौरान ब्लीडिंग का बहुत कम होना या मेंसेस के दौरान ब्लीडिंग का बहुत ज्यादा होना। मेंसेस का लंबे समय तक चलना, जैसे बहुत सी जो टीनेजर्स गर्ल्स होती है या जो मेनोपॉज के आसपास की जो फीमेल्स होती है उनमें ब्लीडिंग कभी कभार 8 दिन 10 दिन या जो मेनोपॉजल वुमन होती है उनमें ब्लीडिंग कभी कभार 1-1 महीने तक भी ब्लीडिंग उनमें होती रहती है। और दोस्तों अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, भूख न लगना, मेंसेस के दौरान कमर और पेट में दर्द होना, फीमेल्स में जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है वो हीमोग्लोबिन का कम होना, इन सभी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के कारण जो फीमेल्स है वो अपने आप को मेंटली और फिजिकली बहुत वीक फील करती है, जिसके कारण उनके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आने लगता है। आप भी यदि इन प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो दोस्तों इन सभी के लिए इफेक्टिव सिरप है जिसका नाम है मेंसोल सिरप। दोस्तों ये मेंसोल सिरप है, ये हेप्टेको कंपनी की सिरप है, इसे आप एज अ हेल्थ मेंटेनर भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन मिली हुई है। दोस्तों इसके अंदर जो मेडिसिन डली हुई उसमें है असोका। दोस्तों असोका एक स्पेशली फीमेल हेल्थ टॉनिक है, ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, ल्यूकोरिया और वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, भूख न लगना और वीकनेस जैसी प्रॉब्लम के लिए असोका बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन मिली है वो है सिंकोना ऑफिसिनिल। दोस्तों सिंकोना ऑफिसिनिलिस हीमोग्लोबिन को बढ़ाती है और हमारे शरीर में एक वाइटलिटी जो शरीर की ऊर्जा होती है उसको बढ़ा के वीकनेस को दूर करती है। अगली जो मेडिसिन मिली है वो है एब्रोमा अगस्टा। दोस्तों आप इस मेडिसिन को एज ए यूटेराइन टॉनिक भी यूज कर सकते हैं। ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज जैसे मेंसेस का डिले होना, मेंसेस का स्कैंटी और प्रोफ्यूज होना के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है कोलोफाइलम। दोस्तों कोलोफाइलम जो मेंसेस के दौरान कमर और पेट में दर्द होता है, स्पेशली जो टीनेजर्स गर्ल्स होती हैं उनमें मेंसेस के दौरान बहुत ज़्यादा कमर और पेट में दर्द होता है, उसके लिए कोलोफाइलम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अब जो इसमें मेडिसिन मिली है वो है वाइबरनम ओप्स। दोस्तों यदि आपको मेंसेस है वो डिले होते हैं, आपके मेंसेस डिले होते जाते हैं और जो मेंसेस के दौरान ब्लीडिंग होती है वो भी बहुत कम होती है, बहुत स्केंटी होती है और जो डिस्चार्ज होता है उसमें से एक ऑफेंसिव स्मेल आती है, तो दोस्तों वाइबरनम ओप्स इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन मिली है वो है पल्सेटिला। दोस्तों पल्सेटिला फीमेल्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसमें जो फीमेल्स होती हैं उनमें मेंसेस है वो बहुत प्रोफ्यूज होते हैं और मेंसेस इरेगुलरिटीज अगर आप में बनी हुई है तो पल्सेटिला आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगली जो मेडिसिन मिली है वो है कैल्केरिया फॉस। दोस्तों कैल्केरिया फॉस एक कैल्शियम है, इसे आप एज ए कैल्शियम सप्लीमेंटेशन भी यूज कर सकते हैं। जो फीमेल होती है उनमें मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है कमर में दर्द, तो आप इसे एज ए कैल्शियम भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें मिली है मेकपॉस।
दोस्तों मेंसेस के दौरान जो कमर में और पेट में दर्द होता है उसके लिए मेकपॉज बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों अब जानते हैं इसके डोजेस के बारे में, आपको मेंसोल सिरप कैसे लेना है। तो दोस्तों आपको मेंसोल सिरप 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर में और 10 ml आपको रात को लेना है। दोस्तों इस मेंसोल सिरप को आपको दिन में 3 टाइम लेना है, सुबह, दोपहर और रात में। दोस्तों इस मेंसोल सिरप को आप एज अ हेल्थ मेंटेनर भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।